समाजवादी पार्टी इस परिवार के साथ है। समाजवादी पार्टी हम सब लोगों ने तय किया है कि अभी इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेंगे और जो भी कानूनी सहयोग करना होगा वो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार करते रहेंगे। मुझे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे कानपुर। मृतक मनीष गुप्ता के परिवार से की मुलाकात। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को मिलकर 20 लाख रुपए की मदद का दिया आश्वासन। हाईकोर्ट के सीजिंग जैसे मामले की जांच की मांग। प्रदेश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सरकार पर लगाया मामले को दबाने का आरोप। जब तक योगी सरकार प्रदेश में रहेगी तब तक हत्याएं होती रहेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। प्रदेश की कानून व्यवस्था हो चुकी है ध्वस्त। पुलिस ने सीसीटीवी और सभी होटल के साक्ष्य मिटाए। ऐसा आरोप है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। कानपुर से शीनू संवाददाता जितेंद्र सोनकर की खास रिपोर्ट। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आप पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते न्याय करें। बहुत से पुलिस के अधिकारी हैं, बहुत से पुलिस के लोग हैं जो न्याय दिलाना चाहते हैं, जो पुलिस का काम अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन अधिकारियों को उन लोगों को मौका नहीं दे रही है जिससे वो अच्छा काम हो जाए। इसीलिए मैंने कहा है कि हाई कोर्ट के माननीय सिटिंग जज जब जांच करेंगे, सीबीआई जांच जब होगी और माननीय हाई कोर्ट के सिटिंग जज जब उसकी जांच की मॉनिटरिंग करेंगे तो परिवार को न्याय मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी आप सच नहीं जान पाओगे। सच को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। ये डीएमएसपी नहीं, ये सरकार ऐसी है। ये सरकार के सारे पे जब डीएमएसपी से आप गलत काम कराओगे, जब डीएमएसपी से आप बूथ लुटवाओगे, आप पता करिए पुलिस कप्तान कहाँ से आए हैं। ये पुलिस कप्तान वही हैं जिन्होंने अमरोहा में बूथ लूटने का काम किया था। जब आप पुलिस से गलत काम कराओगे तो उनके गलत काम को कौन नहीं छिपाएगा, ये बताइए। इस पुलिस में जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हीं अधिकारियों से सरकार ने गलत काम कराए हैं। जो गलत काम कराएंगे उनसे आप गलत काम कैसे रोकेंगे। इसीलिए ना एसएसपी सस्पेंड हुए ना डीएम सस्पेंड हुए, जबकि उनकी पूरी वीडियो पूरे देश ने और सब लोगों ने देखी कि वो किस तरीके से एफआईआर ना हो उसके लिए वो पूरा का पूरा दबाव बना रहे थे। और जांच संभव नहीं है गोरखपुर में, परिवार कैसे भाग के जाएगा। इसे जांच को भी कानपुर में ला करके और पूरे परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने घटना की है ये मामूली नहीं है। ये लोग उन्नाव भी रहे हैं, मुझे जानकारी मिली है उन्नाव में भी रह करके इस तरह की घटनाएं हुई हैं, गोरखपुर में भी घटनाएं हुई हैं। इसलिए जब तक परिवार की सुरक्षा नहीं होगी तक मुश्किल है। सिटिंग जज वो मॉनिटर करें, चाहे सीबीआई जांच हो क्योंकि परिवार ने सीबीआई जांच मांगी है। वहीं इस परिवार की 2 करोड़ से मदद होनी चाहिए और बेटी पढ़ी लिखी हैं, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी हैं, इसलिए उन्हें Class 2 या Class 3 की नौकरी दे करके इस परिवार का जीवन यापन आगे कैसे चल सके उसकी जिम्मेदारी सरकार की है।